पैर का बनवाया है। मछली बताई, बतख बताई है, तितली बताई है, ये आपके में मेन हाई स्कूल में मछली बतख तितली तीन। देखो मछली बता रहा है, फिर से देख लीजिए, सिंपल तरीका है, उल्टी सी बनाई, उल्टी है ना, ऐसे होती है, इसकी दिशा चेंज कर दी तो उल्टी हो गई। इसके बाद इसकी कमल की जैसी कली ये बनाया, कमल की जो बीच वाली कली बनाते हैं ज्यादातर उसका आकार ऐसे ही होता है, होता है कि नहीं होता, ऐसे होता है ना। इसको बनाने के बाद यहाँ तक ले गए, ठीक, ये हो गया ब्रश। अब इसको करना है हमें फेयर, इसके आगे का फेस जो नोक थी थोड़ी दूर तक साफ कर दी, कर दिया ना। अगर हम इसको यहीं से डायरेक्ट बनाएंगे तो ये नहीं बनेगी, ये गलती होती है सबसे ज्यादा, यहीं से डायरेक्ट बनाने की कोशिश करती हो तो वो चोंच जैसी आगे निकल जाती है, उसका जो लिप्स होता है, ठीक। यहाँ से लेना है, यहाँ से लेते हुए फिर बनाना है तो सही आएगा, अगर हमने डायरेक्ट बनाया तो नहीं आएगा। उसके बाद एक, उसके बाद ये दो हो गया, यहीं से दोबारा लेते हुए हल्का सा गहराई के साथ आप इसको इस पे जोड़ेंगे तो ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी नीचे। अगर और पतला करना चाहते हो तो और पतला कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इधर का भाग, आप ऊपर का भाग अजीब सा लग रहा है, यहाँ से लाएंगे, दोबारा जाएंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए ये यहाँ तक गए, अंतर आ गया ना, ठीक। ये जो भाग बराबर बराबर से लग रहा था, अब ये फेस उठा उठा सा लगने लगा, लगने लगा, ठीक। पतला मोटा मैंने आपसे कहा अपने हिसाब से, जितना आप बनाना चाहें पतली, और फिर जगह के हिसाब से आपके पास बराबर कितना है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से सी की जैसी टोपी चढ़ा दी, चढ़ा दी ना। बॉडी के पास पंख जो पीछे की पूंछ है उसको तो आप अपने हिसाब से जगह के हिसाब से, अगर कोने में ले जाना है तो कोने के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे ले जाए, कम ज्यादा जितना चाहे उतना, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा करना है। ये हो गई मछली की आकृति, लेके आए ये जोड़ा,
टेढ़ा थोड़ा सा, फिर ये गया वापस। जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। बढ़ गई ना यहाँ पर चौड़ाई, पहले पतला हुआ और यहाँ पर चौड़ाई आते आते इसकी चौड़ाई बढ़ गई थोड़ा सा। बढ़ने के बाद ये पीछे को पंख की दिशा गई, पंख की कई तरह के तरीके बताए हैं मैंने, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बनाना है, जैसे आप चाहें। उसका ये पेट का हिस्सा, इसकी लंबाई देखते हुए इसका ये वाला हिस्सा, ये लीजिए। सजावट के लिए थोड़ा सा अगर यहाँ पर ये बनाते हैं तो देखने में आकृति सुंदर लगती है, बस इसलिए। ये बन गई बतख, बन गई ये वाली, बन गई। अब आप बनाइए जो चीज ना आए उसे पूछिए। पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता है। मैंने अगर बनवाया है तो उसका प्रयास कीजिए और उसे बनाने, जब प्रयास करेंगे ना तो ऐसा कोई चीज ही है नहीं जो संभव ना हो। ये कहा भी है कि यदि नहीं आ रहा तो पूछिए मुझसे, मैं बताने को तैयार हूँ। लीजिए अब करिए, बनाइए। मोटाई लंबाई चौड़ाई का मत ध्यान रखिएगा अपने।